तो दोस्तों हम सब रेडी हो चुके हैं खलिया टॉप ट्रैक के लिए, जो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है। ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं। मैं तो रेडी हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी हो चुके हैं। तो भाई पंकज हमारे को ब्रेकफास्ट करवा रहा है, और सुबह का ब्रेकफास्ट है चावल और ये राजमा है, और इसमें क्या है, इसमें है वही भांग की चटनी जबरदस्त वाली। तो बस इस खूबसूरत गाँव के अंदर एक टेस्टी खाना, साथ में टेस्टी चाय। कैसी चाय है भाई? बहुत मस्त है, प्योर दूध की है, और वहाँ जो गाय है वहाँ से अभी भी दूध निकल है। ये आंवले का अचार, तो चलो एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट को। सच में बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। राजमा चावल पूड़ी और ये मट्ठा, ओके, और ये आंवले का नींबू का अचार, और साथ में भांग की चटनी। तो भाई साहब इन सबको तो लग रहा है बस मजा आ गया, बॉडी थोड़ी अच्छी बनी। ये खूबसूरत नजारे इस गांव में ही देखने को मिलेंगे, और इस गांव से सीधा हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो भाई जाने का टाइम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं आज खलिया टॉप ट्रैक करने के लिए, जो आज पूरे दिन का एक ट्रिप है हमारा, और सभी रेडी है। तो खलिया टॉप ट्रैक कराने के लिए लेके जा रहा हूँ, जो लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक है, और 0 पॉइंट खलिया टॉप और एक बेस कैंप से स्टार्ट होगा। देखते हैं इन लोगों को कैसा लगता है वो ट्रिप। मैंने किया हुआ है, पिछले ब्लॉग्स में मैंने इसको डाला था। एक बार फिर से मैं आपको करवाने जा रहा हूँ खलिया टॉप ट्रैक, वो भी अपने ग्रुप के साथ। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं खलिया टॉप के लिए। जो रास्ता है जहां से शुरुआत होती है खलिया द्वार की, वो ये है, और सामने होता है रजिस्ट्रेशन। खलिया टॉप का जो ट्रैक है बलाती बैंड से स्टार्ट होता है, जो मुंसियारी से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और ये वो वाला पॉइंट है जहां से शुरुआत होती है। और यहां लगी हुई है सभी टूरिस्ट बसें। ज्यादातर लोग मुंसियारी में इस ट्रैक को करने के लिए आते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड सेंचुरी के अंदर है। यहां से लिख रहा है खलिया टॉप 0 किलोमीटर, और 6 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, और यहां से आगे ये जो रास्ता जाता है ये जाता है खूबसूरत वृथ्वी वाटरफॉल को देखने के लिए। यहाँ से ये खूबसूरत नजारा है। तो चलिए मैं जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक हमारे को कुछ पैसे देके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही एंट्री होती है। मेरी लाइफ का सेकंड खलिया टॉप ट्रैक होने वाला है, और मुझे पता नहीं था मैं इसे कर पाऊंगा, तो आया हूँ दोबारा करने के लिए, इस बार अपने ग्रुप के साथ। सबकी एंट्री कितनी पड़ेगी? तो भाई ऐसा है, रेट बढ़ चुके हैं 20 रुपए से 50 रुपए। तो यहाँ पे छोटे टेंट, बड़े टेंट, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति के हिसाब से किचन टेंट, मतलब जो भी लेकर आता है ना उनको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। तो भाई हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं खलिया टॉप ट्रैक के लिए। खलिया टॉप ट्रैक मुंसियारी का एक ऐसा ट्रैक जो बहुत ही खूबसूरत है, और ज्यादातर लोग दूर दूर से इस ट्रैक को करने के लिए आते हैं, और इस बार मैं लेकर आया हूँ पूरे ग्रुप को दिल्ली से मुंसियारी होते हुए। ये ट्रैक अब शुरू होने वाला है। ट्रैकिंग के यही बेनिफिट्स हैं कि जो चीज़ आप कर चुके होते हो दूसरों को आसानी से बता सकते हो कैसा ट्रैक है और क्या क्या चीजें हैं। सांस फूलने लगती है क्योंकि हाइकिंग करने जा रहे हो आप, इट्स नॉट ओनली अ ट्रैक, इट्स अ हाइकिंग, चढ़ रहे हो। ट्रैक होता है पैदल पैदल चलना एक जगह, और चढ़ते हुए जाना यू दैट बिकम्स हाइकिंग। खूबसूरत जंगल, एक बर्ड सेंचुरी है जो बहुत ही फेमस है यहाँ की। तो हमारे सफर की शुरुआत हुई है 10 बजे, और कितने बजे खत्म होगा नीचे वापस आकर ये अब हम देखते हैं। तो ये रास्ते गर्मियों में इस प्रकार के होते हैं, और सर्दियों में ये पूरा बर्फ से ढक जाता है। याद दिला रहा है मुझे मेरे सफर की। खलिया टॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग शॉर्टकट मारते हुए जाएंगे वो यूं जा सकते हैं, बाकी ये जो रास्ते बना रखे हैं इस पगडंडी पर चढ़ते हुए आप गिरोगे नहीं, आसानी से चले जाओगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मारते हो यहाँ से चढ़ सकते हो। पहाड़ पे चढ़ने से सांसें फूलती है, थोड़ी सी थकावट ज्यादा होती है, तो कोशिश करो यहाँ से चलने की, थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है। और जो ग्रुप है वो भी पीछे पीछे आ रहा है। कईयों के लिए यार ये यादगार पल है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी लोकेशन देखी है, और मुझे उन्हें कराने में बड़ा मजा आ रहा है। आपको उनका एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगा कैसा रहा, थक चुके हैं। ये हुई ना लड़की, ये हुई ना बात, तूने तेरे को मैं एवरेस्ट वाले कैंप पे ले जाऊंगा अपने साथ, तू टेंशन मत ले। शॉर्टकट मारते हुए, और वो बंदा शॉर्टकट मार रहा है जिससे कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। और ये प्यारे प्यारे फूल इन खूबसूरत वादियों में ही ट्रैकिंग और हाइकिंग के दौरान ही आप देख सकते हैं, चारों तरफ से फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। माउंटेन पे चढ़ने का मतलब है वो आपको एक चैलेंज दे रहा है, जिसे हर एक ट्रैकर और हाइकर को एक्सेप्ट करना होता है, राइट? तो अगर आप इस चैलेंज को लेते हो तभी तुम चढ़ पाओगे। तो भाई ये लोग आ रहे हैं, इन लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हाइकिंग, और देखो ये जवान लोग भी आ रहे हैं करते हुए ट्रैक। तो भाई ट्रैक आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नियत साफ होनी चाहिए। तो भाई ऐसा है, ट्रैक कंटिन्यू है, और जो 7 के लोग हैं वो पीछे रह गए, और यहाँ बैठे हैं मैं और प्रियंका। हेलो गाइस। प्रियंका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पहाड़ों में आकर। सच में? और पहाड़ों के साथ आपको और क्या अच्छा लगा? इधर देख कर बोलो।
प्रियंका सोच रही है अभी जब तक मैं बोलता हूँ कि पहाड़ों में आकर ऐसा लगा कि हमें ये ट्रैक करना चाहिए। साल में दो ट्रैक तो करने चाहिए ना। ट्रैकिंग करने से आपकी जो ब्रीथिंग पावर होती है वो बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है और आपकी स्ट्रेंथ का आपको पता लगता है। तो भाई ट्रैकिंग दिल्ली वाले जैसे लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग रहते हैं डस्ट में, पॉल्यूटेड एरिए में और पॉल्यूशन से भरे हुए पॉपुलेटेड एरिए में, तो सांस तो ली नहीं जाती। तो यहाँ तो टोटली ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, सही कह रहा हूँ? तो अंदर के जो जज्बात थे ऊपर तक जाएंगे ना। यहाँ पर ये गाने सुनते हुए आ रही है लड़की, और दूसरी ये, और तीसरा मैं, और हम हैं साथ में। यो, और मैं okay. इसको आज ट्रेनिंग मैं देके छोड़ूंगा, और लाइफ का पहला ट्रैक है, इसके लिए मैं इसको बोलूंगा भाई गुड ग्रेट। आपका फर्स्ट है सेकंड है? सेकंड ट्रैक पहले पुणे में करा था। अच्छा, वो हरियर फोर्ट वाला, वो हाइकिंग थी, खैर अच्छी थी वो भी। वो बढ़ते हैं आगे सफर के लिए, क्योंकि ये लोग तो पीछे पीछे आ रहे हैं। हेलो, हाउ वाज द ट्रैक? इजी? रियली, आई मीन डिड यू एंजॉय दैट 0 पॉइंट और टॉप ओनली? ओके, तो भैया ऐसे ऐसे फॉरनर्स भी इस ट्रैक को करने के लिए आ रहे हैं। मुनस्यारी की खूबसूरत वादियों के बारे में दुनिया में बहुत ज्यादा वीडियोस बन रहे हैं, और लोग इस ट्रैक को करने के लिए शिमला वगैरह को छोड़कर मुनस्यारी को ट्रेंडिंग में ले रहे हैं। मैं भी बोलूंगा भाई, होटल में रुकना है तो मैं बताऊंगा जगह कौन सी है, और गाँव में रुकना है, टेस्टी खाना खाना है मेरी तरह, उसकी लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। मेरी वीडियोस देखते रहो और बताता रहूंगा, जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर जवाब दूंगा। तो इस ट्रैक पर इन लोगों की हो रही है हालत खराब, जो पहली बार आ रहे हैं उन लोगों की सच में हालत खराब हो रही है, लेकिन फिर भी इनको मैं करवा के छोड़ूंगा आज। अभी प्रभाकर कैसा लग रहा है? अभी तक का सच्चा सच्चा एक्सपीरियंस शेयर करो, जैसे आप जैसे ट्रैकर्स होंगे ना उनको थोड़ी सी ताकत मिलेगी। बेकार जगह काम धंधा करो अपना, कहां इंटरेस्ट किस कराने तेरा कवाई, नौकरी नागरी करो, एक दिन मर जाओ, तुम कहां घूम पाओगे अच्छी अच्छी जगह। यहाँ ऊपर बहुत ठंड है तो मेरे को अभी थोड़े गुनगुने पानी की कमी महसूस हो रही है। हाँ भाई, पानी जरूर लेके आए अपना, पानी जरूर, पानी तो जरूरी है इस ट्रैक के लिए। पानी खत्म हो चुका है, ये बेटर रहेगा। एक बोतल से 6 लोग जी रहे हैं, ग्लूकोन डी, और वो भी खत्म है। हो सके तो कोई ORS ग्लूकोन डी जरूर लाएं। हाँ भाई शुभम, आपका क्या एक्सपीरियंस है? और आप ये बिल्कुल मत सोचें कि ट्रैकिंग पे जा रहे हैं गर्मी लगेगी, यहाँ बहुत ठंड है। इस ट्रैक पर अभी अभी जो फॉरनर आपने देखी थी उसने हाफ में ही इस ट्रैक को छोड़ दिया और थैंक यू बोलकर चले गए। भैया ऐसा है, इसके लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए और कॉन्फिडेंस अंदर से होना चाहिए। कोई भी कितना भी लंबा ट्रैक हो आराम से कर लोगे। हंसते गाते हुए ग्रुप में अगर आप आते हो तो जा सकते हो आसानी से। और ये लोग ट्रैक करने आए थे और इनके शरीर ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने भी बोला हुआ है लेके चलूंगा आप। और ये है खूबसूरत नजारे इस जंगल के, हार्ड चढ़ाई है इसकी यार, ये देखो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है। पिछली बार मैंने बिना किसी सपोर्ट के, इस बार तो मैंने ये स्टिक लिया, लेकिन पिछली बार मैंने बिना किसी सपोर्ट के इस ट्रैक को किया था। आई थिंक 10 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, और उसमें बारिश का टाइम था तो गीला गीला था सारा। क्या सर आपका ट्रैक? अच्छा, हाउ वाज दैट? 0 पॉइंट या खलिया टॉप? और जीरो खलिया टॉप, एज डजंट मैटर गाइस, यू कैन डू इट, इज अ वेरी सिंपल वन। देख लो भाई, आप लोगों के सामने मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा भी रहा हूँ, कोई एज नहीं मैटर करती है, एज इज जस्ट नंबर। तो ट्रैकिंग में हम लेने आए हैं ऑक्सीजन, ओके, शहरों से दूर आके अगर यहाँ भी हम ट्रैकिंग नहीं करते हैं तो शायद हमें इस खूबसूरत वादियों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। ये पेड़ पौधे नहीं है, ये उनके घर हैं जो इन पर रहते हैं, जैसे पंछी। और मेरी आर्मी पीछे पीछे चल रही है, यू कैन डू इट, आई कैन, आई विल। तो ये खूबसूरत वादियाँ हैं, और यहाँ से पंचाचुली पीक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, वो है, लेकिन बादलों से ढकी हुई है, इस समय नहीं दिखाई देगी। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो पंचाचुली पीक को अपनी आंखों से क्लियर देख पा रहा था, जो यहाँ की सबसे फेमस पीक है। नंदा देवी के पर्वत भी यहाँ से दिखाई दे जाते हैं, वो है उस साइड में जहाँ से हम आ रहे हैं, बहुत ही नीचे वाली लोकेशन है। ये जो हट दिखाई दे रहे हैं वो मुनस्यारी है पूरा का पूरा, जो शहर बसा हुआ है। और यार ये एक पॉइंट है जहाँ लोग रुकते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, और उसके बाद वो जो ऊपर की साइड में जा रहा है, ये एक पॉइंट है ट्रैकिंग का, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना पड़ेगा जब जाके वो खलिया टॉप आता है। तो खलिया टॉप अपने में एक खूबसूरत ट्रैक है, जो लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये ट्रैक लाजवाब है। अभी हमारे साथ जो आए हुए हैं उसमें से हम 3 ही लोग ऊपर आए हैं यहाँ तक, और टाइम बता देता हूँ इस समय क्या हो रहा है, 12:17, 10 बजे हमने ये ट्रैक करना स्टार्ट किया था, और 2:17 में हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मैं लगभग 1 घंटे में चढ़ गया था। भाई यहाँ तो बारिश होने लगी है और स्नोफॉल भी हो रही है ऊपर की साइड में, और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा चिली हो चुका है। अप्रैल में 10th अप्रैल को, मैं 11 अप्रैल है आज, और मैंने महसूस किया है कि यार सच में खलिया टॉप में ऊपर की साइड में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है,
अप्रैल के महीने में। तो यहाँ का सबसे बेस्ट वेदर है मई एंड जून। ओके, फिर सितंबर का मंथ रहता है जो सबसे बेस्ट रहता है आने के लिए। तो यहाँ पर तो भैया मौसम ऐसे ही है, अपने आप ही बदलता रहता है। यहाँ पर ऊपर की साइड में खाने पीने का हिसाब किताब ज्यादा महंगा है। अगर आप एक प्लेट राजमा चावल भी लेते हो तो 250 रुपए की है, पराठा 80 रुपए का है, 70 रुपए की मैगी है, पास्ता 120 रुपए का, और ब्रेड ऑमलेट 120 रुपए की। और यह है बैठने की जगह, और ठंड के मारे सबकी हालत देखो कैसी हो रही है। तो दोस्तों, कुछ देर पहले यहाँ पर काफी मौसम बदला हुआ था, बारिश की बूंदे भी पड़ रही थी। हमने सोचा आधे घंटे तक यार चाय कॉफी या मैगी खा लेते हैं, रेस्ट किया, और 15 मिनट में मौसम एकदम चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे धूप ही धूप हो गया। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर लोग रुकते हैं, कैंपिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग होम स्टेज वगैरह जो ये KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम के हैं यहाँ रुकते हैं, कि इन हाइट वाली लोकेशंस पर दूर दूर से लोग आते हैं और ये ट्रैक करते हैं। कुछ लोग यहाँ रुकते हैं, ऊपर भी रुकते हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अब हम जाने वाले हैं यहाँ से खलिया टॉप के लिए, और अगर मौसम ठीक रहा तो खलिया टॉप 0 पॉइंट तक जाने की कोशिश करूंगा मैं और मेरे कुछ दोस्त, क्योंकि कुछ लोगों ने तो हार मान ली है यहाँ पर। तो मैं अब आपको वहाँ लेकर जाने वाला हूँ। ये जो सामने खड़े हैं सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर पानी पहाड़ों में किस प्रकार आता है वो ये है तरीका, कि यहाँ के जो कैंप्स हैं KMVN के भी हैं और प्राइवेट कैंप्स भी हैं। दोस्तों ये जो लोकेशन है ये है खलिया टॉप से पहले एक लोकेशन आती है, इस लोकेशन को कहते हैं भुजानी, जहां लोग रुककर चाय नाश्ता करके आगे खलिया टॉप के लिए जाते हैं। और यहां पे प्राइवेट कैंप्स भी हैं, गवर्नमेंट कैंप्स भी हैं। तो भाई अगर जो भी आना चाहता है खलिया टॉप तो इस लोकेशन पर आए, रुके। मुंसियारी में होटल में पैसे खर्च करने से अच्छा है आप यहां पर खर्च कीजिए। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ट्रैकिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई मौसम फिर से बदल गया, थोड़ी देर पहले धूप निकली थी फिर मौसम बदल गया। मौसम को मौसम क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी बदल सकता है। 800 मीटर रह गया है खलिया टॉप यहाँ से, उसके बाद 0 पॉइंट खलिया टॉप देखते हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बर्फ दिखने लगी है, और ये जो बर्फ है यहाँ पर है जमी पड़ी है पूरी की पूरी। यार भाई साहब अप्रैल मंथ में बर्फ देखने को मिल रही है पहाड़ों में। मेरी लाइफ का खलिया टॉप का ये सेकेंड ट्रैक है, खलिया को मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, और यहाँ पर बर्फ मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि जून महीने में ये बर्फ मुझे देखने को नहीं मिली थी। तो अप्रैल मंथ में 2024 में मैं इस खूबसूरत बर्फ को देख रहा हूँ, और ये जवान हमसे बहुत तेज चल रहा है, ठीक है, ऐसे किसी की परवाह नहीं है। और ये जो पेड़ है ना यार, ये पूरे गिरे हुए हैं, तो ये भी एक अलग ही चीज है, क्योंकि माउंटेन्स पे जो पेड़ होते हैं खड़े होते हैं इनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, और ये बर्फ है। फाइनली जिस चीज को हम मांग रहे थे काफी देर से वो हमें मिल चुकी है, स्नोफॉल। ओ भाई साहब, भाई दीदी, फाइनली ये स्नोफॉल हमें देखने को मिल गई, मजा आ गया यार। ये देखो वाह, वो व्हाट अ लाइफ एक्सपीरियंस। चलो यार, अरे नहीं भाई, यहाँ तो हवा बहुत तेज चल रही है, और सच बता रहा हूँ दोस्तों ठंड भी बहुत है यार, पूरा का पूरा शरीर जाम हो गया। और अभी खलिया टॉप थोड़ी और दूरी पर है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि हवा की आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है। और जब आप इन हिमालयन वैली के अंदर आ जाते हैं तो आप सच में कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं कि यहाँ ऐसी क्या चीज़ है जो आप लेने आए हो। चलते जाओ, सामने पहाड़ है जहाँ लोग पूजा करते हैं, और उस चोटी पर मैं सेकंड टाइम पूजा करने वाला हूँ, और भगवान शिव से, प्रकृति माता से या प्रकृति देवता से कुछ मांगना चाहता हूँ। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं खलिया टॉप, और आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, 0 पॉइंट पे कुछ ज़्यादा बर्फ है, स्नोफॉल तेजी से बढ़ रहा है हमारी तरफ। जो करना था फाइनली हम जीत चुके हैं। यू हैव अचीव्ड your journey, you know? हाँ भाई, how about your experience? Awesome. And you? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तुम्हारा फर्स्ट ट्रैक था? Yes sir, मुझे लग भी नहीं रहा था मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी। और सबसे ज्यादा प्राउड मुझे दिव्या पे है, क्योंकि हालत खराब होते हुए भी इसने इस ट्रैक को किया है, और करवाने में प्रभाकर जी का बहुत बड़ा रोल है। प्रभाकर जी आप बताइए। बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। बोल तो दिया। कैसा रहा ट्रैक? बहुत अच्छा, मजा आ गया यहाँ पे आके, बहुत मजा आ गया। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ खलिया टॉप, और अपने दोस्तों के साथ
यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। अब मेरा आगे का सफर है जीरो पॉइंट के लिए, खलिया टॉप जीरो के लिए, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही ऊपर है और लोग जा भी रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर वापस भी जा सकते हैं अगर आप थक जाते हैं और आपको लगता है। यहाँ पर आने में लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे का समय लगा है और अब आगे का सफर तय करने वाले हैं। जबरदस्त ट्रैक है यहाँ तक का। आगे कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आती है, मौसम बदल जाता है, कुछ भी हो जाता है, बारिश की वजह से भी लोग जाते नहीं है, स्नोफॉल हैवी हो जाती है तो नहीं जाते क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से ढक जाता है। तो चलिए अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ खलिया टॉप जीरो पॉइंट पर। ये जगह जब आप मई जून में आओगे तो हरी भरी नजर आएगी, चारों तरफ हरियाली होगी। कहते हैं ना जब आप मन से किसी लोकेशन पर जाने की कोशिश करते हो, मुझे तो डर लग रहा था कि यार ये लोग मेरे साथ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। खलिया टॉप जीरो पॉइंट पर हम निकल पड़े हैं, ये सेकेंड अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मैं कर लूंगा। वो जो पहाड़ी है वो है जीरो पॉइंट, और मौसम भी अचानक बदल गया है, एकदम साफ हो गया है। अभी ये पूरा बदल गया था। जीरो पॉइंट का मेरा प्रस्थान हो चुका है। यहाँ से पता लग जाता है कि खलिया टॉप 2 किलोमीटर रह गया है। ये जो पॉइंट है 2 किलोमीटर बता रहा है हमारे को। भाई हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, मौसम ने अपनी करवट मारी है और हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आप सीधा निकल रहे हैं नीचे की साइड में मुंशहरी की तरफ। भाई साहब ये हाथ ना जम चुके हैं यार। मेरे हालातों को देखकर आपको लग सकता है कि भरत गुप्ता अप्रैल 10 तारीख को यहाँ फंस चुका है खलिया टॉप के अंदर। हाथ जाम हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता यार, पूरा पीछे से बर्फ से भरा हुआ है और ये स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रही है अभी। ये स्नोफॉल हैवी हो चुकी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।